सुनते हैं तो आप देख रहे हैं जी टी न्यूज। हरदोई के डीएम पुलकित खरे ने आईसीएसई तथा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल एवं इंटर में टॉप करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सम्मानित किया। मेधावी छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर जिले का मान बढ़ाया है, इसके लिए सभी बधाई एवं सम्मान के पात्र है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो प्रतिभा हासिल की है उस प्रतिभा को विराम न होने देना, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कड़ी मेहनत से और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना है। हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। उन्होंने और खास सर ने हम लोग को बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हम लोग को क्या भविष्य में करना चाहिए, क्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी हम लोग के अंदर क्यूरीज थी वो सब कुछ उन लोगों ने उन्होंने हमारी सॉल्व कर दी। और अब हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम लोग कुछ फ्यूचर में कर रहे हैं तो फिर हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो क्या बनना चाहती हैं? मुझे बैंक मैनेजर बनना है। उसने मुझे क्वेश्चन भी किया है, उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं जैसे कि कैसे एजुकेशन लेनी चाहिए और दिन का कैसा टाइम शेड्यूल होना चाहिए। पास 81% मेरे पास थे और जो हमारे जो जिला अधिकारी सर थे उनसे हम लोगों को काफ़ी सारी टिप्स मिली, जैसे कि हमारे करियर ओरिएंटेड टिप्स उन्होंने दी हैं और आईएएस और पीसीएस सिविल सर्विसेज में भी उन्होंने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं। बाकी उन्होंने और भी करियर्स के बारे में बताया, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, इस करियर्स के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। बैंकिंग के भी बारे में उन्होंने डिस्कस किया। बाकी जो व्यवस्था होती है उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, बस वो केवल इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सर ने बताया। तुमने कौन सी लाइन चुनी है? मैं कंपनी सेक्रेटरी में जाना चाहता हूँ, मुझे कॉपरेट वर्ल्ड में काम। हरदोई के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के जो टॉपर बच्चे हैं इंटरमीडिएट के भी और हाई स्कूल के भी, आज जिला प्रशासन की तरफ से उनको यहाँ पर सम्मानित करा गया। न केवल सम्मानित करा गया बल्कि उनकी जो शंकाएँ हैं, उनके जो विचार हैं, वो जो सोचते हैं, दिमाग में जो जिज्ञासाएँ हैं, उनको हमने जानने की कोशिश करी। जैसा हम सभी जानते हैं कि कल का भारत इन बच्चों के कंधों पे है, इन बच्चों की जो इच्छाएं हैं, जो ये करेंगे उसी से एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का शक्ल होगा। उसी दिशा में एक ये कोशिश थी कि इनको प्रेरित भी करा जाए, प्रोत्साहित भी करा जाए और साथ ही साथ इनके विचारों को भी समझा जाए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कुछ बच्चों ने आपसे कुछ सवाल किए और आपकी लाइन में भी जाना चाहा, तो क्या टिप्स भी दिए गए आपकी तरफ से? ये एक इनफॉर्मल सेशन बच्चों के साथ रखा था जिसमें कई बार बातें हो रही थी। जितना मुझे जानकारी थी अन्य कैरियर की भी और अपने कैरियर की भी, उनके बारे में जो बच्चों ने सवाल करे उसके बारे में मैंने उनको बताया, उनकी जो जिज्ञासाएँ थी कैरियर को लेके, पढ़ाई को लेके, आगे आने वाले समय को लेके, उसकी भी जितना जानकारी मैं रखता था उस बारे में।